आज के वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, यदि अभी तक आपने कुंडली का परामर्श नहीं लिया है तो कुंडली का परामर्श लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, अधिक मास अधिक लाभ ऑफर चल रहा है। 1000 रुपये में आप एक सवाल पूछ सकते हैं, 1500 में आप दो सवाल पूछ सकते हैं। हम कुंडली बनाकर नहीं भेजेंगे, सिर्फ आपको जवाब ही भेजेंगे। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, तो घुट घुट कर मत जिंदगी को बिताइए। तुरंत सलाह लीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बता रही हूँ, संध्या समय ये काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन कामों को करने से घर की बरकत जाती है और घर में मनहूसियत आती है। संध्या समय यदि कोई भी आपके घर से कोई भी सामान मांगने आए तो उसे नहीं देना चाहिए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसकी हेल्प जरूर कर लेनी चाहिए अगर उसको आवश्यकता है, और वो आपको साथ में लेके मार्केट जाए तो मार्केट जरूर चले जाइए और मार्केट से वो चीज़ उसको दिला के ले आइए। लेकिन अपने घर की जो चीज़ें हैं, स्पेशली जो किचन की चीज़ें हैं, वो आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। संध्या समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या समय पर लेटना भी नहीं चाहिए, संध्या समय पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, संध्या समय पर घर का जो कचरा होता है उसको घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, संध्या समय पर आपको कोई भी दूध वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस समय ठीक संध्या हो रही हो, संध्या समय पर श्रृंगार नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में करें, संध्या समय पर मांग नहीं भरनी चाहिए, संध्या समय पर बिंदी भी नहीं लगानी चाहिए। ये सब काम थोड़ी देर पहले या थोड़ी देर बाद में कर लीजिएगा। संध्या समय पे कोई मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, संध्या समय पर देहरी पे खड़ा नहीं होना चाहिए, संध्या समय पर लेटे लेटे ही कुछ भी खाने की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, संध्या समय पति पत्नी को रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, संध्या समय पर कोई भी दुखद भरी बातें घर में नहीं करनी चाहिए, खुशहाली की और उन्नति की बातें ही घर में करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।